हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें दोस्तों हम लोग अभी एपी पढ़ रहे थे। एपी का पार्ट नंबर 1 दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा। वहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कम्प्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन आपको हमने करवाया था, जिसमें कि आपका फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था 3 में फर्स्ट, और उसके बाद 3 में ही दोस्तों जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हमने करवा दिया था। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हम देखें तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो टोटल आपका 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसको हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह है 2, 4, 8, 16 दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ऊपर वाला सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। इसको देखिए, ये आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, आपका 15 दो दिया हुआ है इसमें जो क्वेश्चन, उसको आपको चेक करना है कि कौन कौन इसमें से एपी है। ठीक है, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं सार्व अंतर को। पहले भी ये चीज हमने आपको बताया है कि सार्व अंतर को हम लोग डी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। और ए आपका क्या था, प्रथम पद हो गया। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, कोई एपी में है तो उसको आपको चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं है। जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसमें हमको फर्स्ट काम जो करना है वो चेक करना है कि ये एपी में है या अथवा नहीं है दोस्तों, और इसका सार्व अंतर निकालना है। इसके बाद क्या करना है कि इसका अगला 3 पद हमको निकाल देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमको निकालना होगा दोस्तों कॉमन डिफरेंस, हम लोग निकालेंगे इसको चेक करने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, और A1 A2 कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला A1 हो गया, ये वाला A2, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 आपको मान लेना है। अब यहाँ पे A2 कितना है, 4 है, A1 कितना है, 2 है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया दोस्तों। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे एपी में है अथवा नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने A2 माइनस A1 किया, तो एपी में है अथवा नहीं है इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देख लेना है दोस्तों A2 माइनस A1 बराबर होता है या फिर नहीं A3 माइनस A2 के। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो करता है तो हम लोग कहेंगे दोस्तों कि ये जो दिया गया जो सीरीज है वो एपी में है अथवा एपी में नहीं है। देखिए, तो हम यहाँ पे A2 माइनस A1 एक तो हम निकाल लिए हैं, अब दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है, 8 माइनस 4 दोस्तों हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 दोस्तों। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका A2 माइनस A1 जो है ये बराबर नहीं आया A3 माइनस A2 का। तो ये जो दिया गया सीरीज है वो एपी को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों कि यह एपी में नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे नीचे में कि यह एपी में नहीं है, इस तरह से हमको इसको लिख देना है। और ऐसे ही चेक करना है आपको जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको दोस्तों। तो इसी में हम 1-2 और क्वेश्चन बताएंगे, और एक्सरसाइज जो 5.1 है इसको हम आज पूरा दोस्तों कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, साइड में हम कर देते हैं। सेकेंड छोड़ देते हैं, सेकेंड के बाद दोस्तों जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे आपका है एक 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है,
सेवन नंबर यहाँ पे क्या है, ये है आपका 0, -4, -8, इसके बाद है -12, ये वाला सीरीज दिया गया है। तो हमको चेक क्या करना है, हम लोग डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a2 - a1 करेंगे, और दोस्तों a2 - a1 क्या आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों -4 - 0 करेंगे, तो ये मेरा कितना आ गया, -4 ही आने वाला है। इसके बाद हम लोग a3 - a2 कर देते हैं, ये कितना आ रहा है, तो ये आपका -8, यहाँ पे माइनस करेंगे जब, तो माइनस जब माइनस यहाँ पे ऐसे हो जाता है ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा -1, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं, तो ये ध्यान में रखना है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस होता है, इसके बाद यहाँ पे प्लस गुना प्लस, ये भी आपका प्लस होगा। इसके बाद यहाँ पे ये दो तो आपका प्लस वाला हो गया, और जब यहाँ पे सेम साइन जब रहता है तो प्लस होता है, जब डिफरेंट साइन रहता है, डिफरेंट साइन का मतलब यहाँ पे यदि माइनस गुना प्लस हो तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस गुना यदि माइनस हो तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये वाला याद रखना है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको याद भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, लाइट भी अभी कट गया है तो इसको हम कंप्लीट करके इसके बाद इसको हम बंद करते हैं। ये देखिए यहाँ पे -8 है, प्लस का 4 है, तो यहाँ से आपका जो है -4 निकल के आने वाला है, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका a2 - a1 है ये बराबर हो गया a3 - a2 के। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है सो एपी में है, और एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं यह एपी में है, तो इसका अगला 3 पद कौन सा हो जाएगा, अगला तीन पद निकालना है। ये भी हमको पता चल गया है, यहाँ पे ये तो आपका 0 है, और डी हमको पता चल गया है, डी क्या है, ये वाला -4, यहां से हम लोग मानते हैं इसको, ये वाला a2, ये वाला a3 है, ये वाला a4 है, तो हमको क्या निकालना है, अगला 3 पद क्या क्या निकालिएगा, a5 a6 और a7 निकालना है। a5 क्या हो जाएगा, a5 निकालने के लिए होता है a+4d, तो ये क्या है, ये आपका 0 है, और d क्या है, d -4 है, तो यहाँ पे आपका 4 × 4 × क्या हो जाएगा, -4, जो कि है आपका -16 निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जोड़ते चल जाना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये, तो ये जोड़िएगा, तो a6 जो निकलेगा a5 के बाद वो आपका हो जाएगा -20, और a7 जो हो जाएगा ये हो जाएगा -20, और -4 फिर एड करेंगे तो ये -24 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है सो सॉल्व कर लेना है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो क्लास है इसमें हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाए क्योंकि लाइटिंग कट गया बीच में, और बीच में पीछे जो है सो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो कल इसको हम लोग देखेंगे इसके आगे, आज यहीं पे रखते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए थैंक यू।